फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की नॉलेज बड़ी अच्छी क्लियर है। मेरे अपने बड़े सारे स्टूडेंट्स, दोस्तों मेरे अपने स्टूडेंट्स काफी अच्छी पोस्ट में है और फॉरेन एक्सचेंज की वजह से आज उनको वो पोस्ट मिली है। तो मैं आज वही टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों तीन नाम हैं, जैसे मैंने पहले लिखा फॉरेन एक्सचेंज, फिर मैं लिख रहा हूँ, फिर मैंने लिखा दोस्तों मैं लिख रहा हूँ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, थोड़ा सा नाम बड़ा हो गया। मैंने लिखा, पहला लिखा फॉरेन एक्सचेंज, फिर लिखा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, और दोस्तों मैं तीसरा नाम लिख रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। ये मैंने तीसरा नाम लिख दिया। चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। और आप देखिए मैंने पीछे जो स्लाइड रखी है वो पूरी दुनिया की, भारत की नहीं, वर्ल्ड मैप की पीछे स्लाइड दी है। आज आप इस दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं दोस्तों, किसी भी हिस्से में रहते हैं, आप इंडियन हैं, आप अमेरिकन हैं, आप ऑस्ट्रेलियन हैं, आप कहीं भी रह रहे हैं इस दुनिया के कहीं भी किसी भी पार्ट में रहते हैं, तो यकीन मानिए आपको इस चैप्टर की जरूरत है। इसीलिए मैंने पीछे बैकग्राउंड में वर्ल्ड मैप की फोटो रख दी। दोस्तों आप यहां बैठे हैं दिल्ली के अंदर, यहां बैठे हैं दिल्ली, इंडिया, इंडिया मेरा, भारत महान, मेरा भारत महान। आज पूरी दुनिया की आंखें इस भारत के ऊपर लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि मेरी इंडिया में डेमोग्राफिक पोजीशन बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे यंग ज्यादा है। कहते हैं जहां पर यंग पॉपुलेशन ज्यादा हो तो वहां पे वर्कफोर्स ज्यादा हो, वहां पे लोग ज्यादा काम करते हैं। अमेरिका में नहीं, अमेरिका में नहीं, लंदन में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, मेरे भारत महान में। तो दोस्तों आज उसी टॉपिक को करने के लिए हम ये आज नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों मुझे आज याद आता है जब मैं बहुत छोटा था, मैं बहुत ही छोटा था, आप यकीन मानिए मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। मैं बहुत छोटा था तो जहां पे हम रहते थे हमारे घर के आसपास एक सामने पड़ोसी रहते थे और वो कभी कभी जर्मनी जाते थे। आज भी उनका घर मेरे घर के सामने ही है, लेकिन मुझे वो बात याद आती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो जर्मनी में जाते थे, वहां पे ट्रेड फेयर जैसे हमारे भारत में लगते हैं, वहां पे ट्रेड फेयर लगते हैं और आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेके जाते थे, एक महीना वहीं पे रहते थे। जब वो आते थे तो अपने साथ चॉकलेट्स लेकर आते थे। मैं आज की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं आज से 15-20 साल पहले की बात अगर करूं, आपने आज की इंडिया को देखा है, मैं आज की इंडिया के पास नहीं जा रहा, मैं इंडिया के पहले जा रहा हूं। इंडिया जब 20 साल पहले की इंडिया, 15 साल पहले की इंडिया, दोस्तों जब वो आते थे तो अपने साथ वो चॉकलेट्स लेकर आते थे, टॉफीज लेकर आते थे, इक्लेयर्स लाते थे डेनमार्क की या जर्मनी की, और क्योंकि हम पड़ोसी थे तो दोस्तों हमें वो चॉकलेट्स वगैरह देते थे। मेरा एक भाई और एक बहन और भी है दोस्तों, मैं बड़ा हूं मैं, हाँ, दोस्तों मैं बड़ा हूं, तो जो चॉकलेट एक मिलती थी हम सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। मान लेते हैं उसके 8 पीसेस होते थे, तो मुझे मान लेते हैं 4 पीस मिले, तो मैं अपने 4 पीस बड़े ध्यान से, आराम से, प्यार से छुपा कर खाता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये जो 4 पीस हैं ये जर्मनी के हैं। पता नहीं यहाँ पर, क्योंकि इंडिया में उस समय जर्मनी की चॉकलेट्स मिलती नहीं थी, क्योंकि वो जब दोबारा जाएंगे फिर आएंगे फिर लेकर आएंगे, तो मैं इन चॉकलेट्स को आराम आराम से थोड़ा थोड़ा खाता था, इसलिए कि ये चॉकलेट्स मिल ही नहीं रही इंडिया में, और मैं उनको बड़ी इज्जत भरी नजरों से देखता था दोस्तों, जो मेरे पड़ोसी जर्मनी से आते थे। और आज से 10-12 साल पहले ऐसे ही होता था कि कोई अमेरिका से आया, कोई सिंगापुर से आया, कोई मॉरिशियस से आया, कोई थाईलैंड से आया, कोई बैंकॉक से आया, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया, तो आप उसको नीचे से ऊपर तक देखते थे और आपके मन में उसके लिए इज्जत आती थी दोस्तों। ऐसे लगता था कि बहुत बड़ा काम करके आया हो, चाहे वहां पर वो पेट्रोल पंप में रहा हो, लेकिन आपके लिए बड़ा डिस्टेंस था, क्योंकि पहले जमाने में वेस्ट साइड में और ईस्ट में ह्यूज डिफरेंस पाया जाता था, वेस्ट में और ईस्ट में ह्यूज डिफरेंस था।
दोस्तों लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, एक 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हम बहुत डरे हुए थे, डरे हुए थे, डरे हुए थे, डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? क्योंकि अंग्रेजों ने हमें, फिरंगियों ने 200, 300, 400 सालों तक लूटा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। आप जिस देश में रहते हैं दोस्तों, उस देश को हम कहते हैं सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। इस देश में खनिज पदार्थ बहुत थे, सोना था, हीरे थे। अभी भी मेरा देश सोने की चिड़िया है, लेकिन दोस्तों 300 सालों तक जिसको लूटा गया हो, आप मुझे बता दीजिए, 300 सालों तक जिसको लूटा गया हो, ताजमहल की दीवारों में हीरे लगाए थे शाहजहां ने, लेकिन ये फिरंगी, मेरे पास नाम नहीं है इनको बोलने के लिए, ये जो फिरंगी हैं, इन्होंने उस ताजमहल की दीवारों से भी हीरे उखाड़ कर अपने देश ले गए। मेरे देश का कोहिनूर का हीरा लाल किला से, लाल किला से अपने देश ले गए। दोस्तों 300-400 सालों तक मुझे लूटा गया। मुझे एक चीज बताइए, 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली होगी और जब इन्होंने मुझे लूटा होगा 300-400 सालों तक, तो मैं डरा तो रहा ही होगा। मैं बाहर की किसी कंट्री को अपने देश में, मैं बाहर की किसी कंपनी को अपने देश में, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने देश में, या मैंने बाहर के लोगों से बहुत कम बात की 1991 तक। दोस्तों ये सिलसिला चला, दोस्तों ये सिलसिला 1991 तक चला। कहां से शुरू हुआ? 1947 से शुरू हुआ, और कहां तक चला? 1991 तक चला, 1991 तक चला। और दोस्तों 1991 में एक ऐसी घटना घट गई, सुनिएगा, 1991 में एक ऐसी घटना घट गई जिसने इंडिया की सोच को बदल डाला। ध्यान से सुनिएगा, उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर मनमोहन सिंह। अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर उस समय ना होते तो आज जो आप इंडिया देख रहे हैं, आज जो फील गुड आ रहा है, आज जो आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही है, ये नहीं मिलती। दोस्तों 1991 में हमारे पास तेल खरीदने के, मैं भी आपको वीडियो दिखाऊंगा, ऑयल परचेज करने के, ऑयल परचेज करने के भी डॉलर्स नहीं थे। और जिस देश में डॉलर नहीं हो ऑयल परचेज करने के, तो दोस्तों हमने 1991 में क्या किया, आप गूगल में जाकर चेक करिए, आज भी इतिहास गवाह है। हमने अपना ही सोना, हमने अपना ही सोना, हमने अपना ही सोना शिप्स में दोबारा डाला, दोबारा गिरवी रखा, और उस सोने के बदले हमने क्या लिया, हमने क्या लिया, हमने क्या लिया दोस्तों? डॉलर्स लिए, डॉलर्स लिए, और उन डॉलर से तेल खरीदा। ये तो बात समझ आ गई, लेकिन 1991 के बाद मनमोहन सिंह जी को और हमारे देश को एक बात समझ आई कि हम कब तक ऐसा करेंगे, कब तक अपना ही सोना उतार कर हम दूसरे देशों को देंगे और उनसे डॉलर लेंगे और तेल खरीदेंगे। दोस्तों 1991 के बाद अगर आप ध्यान से देखें गूगल में जाकर, शायद आप इस दुनिया में नहीं होंगे उस समय, या होंगे, मगर अगर आप गूगल में जाकर अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बढ़िया करें, तो एक बात समझ लीजिए, 1991 ऑनवर्ड्स के बाद एक नया कंसेप्ट आ गया जिसको हमने कहा ग्लोबलाइजेशन, जिसको हमने कहा लिबरलाइजेशन, जिसको हमने कहा डीरेगुलेशन, जिसको हमने कहा डीलाइसेंसिंग। ऐसे बड़े सारे कंसेप्ट आ गए, और आज आप जिस इंडिया को देख रहे हैं वो इंडिया बिल्कुल बदल चुकी थी। हमने बाहर के देशों को इंडिया में बुलाने की कोशिश की, हमने खुद इनवाइट किया, क्योंकि हमें एक बात समझ आ गई थी कि जब तक हम बाहर के लोगों को, बाहर की कंपनीज को अपने देश में नहीं बुलाएंगे, हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज, हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, हमारे यहाँ पर फॉरेन करेंसी नहीं आएगी, तब तक हम अपने देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो 1991 के बाद हमने अपने दरवाजे खोल दिए और मैं बन गया फ्री, फ्री इंडिया, ओपन इंडिया। आई एम ओपन, आई एम ओपन। और जैसे आजकल मोदी जी पूरे ब्रह्मांड में जाकर घूम रहे हैं और वहां पर जाके लोगों को विश्वास दिला रहे हैं,
वहां की कंपनीज में जा रहे हैं, वहां के सीईओ से बात कर रहे हैं, कोई ऐसा देश नहीं छोड़ रहे, किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं छोड़ रहे, और उन सबको ये कह रहे हैं कि हमारे देश में आइए, हमारे देश में आगे काम कीजिए, मेक इन इंडिया। दोस्तों यही चीज 1991 में रखी गई नींव, और आप देख लीजिए 1991 के बाद हमारे यहां पर फॉरेन कोलैबोरेशंस, फॉरेन जॉइंट वेंचर्स, फॉरेन कंपनीज, फॉरेन सब्सिडरीज, ये सब कुछ होनी शुरू हो गई, ये सब कुछ होनी शुरू हो गई। दोस्तों आप ये समझ लीजिए, जब बाहर के लोग हमारे देश में काम करने आएंगे, टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, और मारुति सुजुकी का संधि हुआ, ऐसे बड़े सारे क्वालिटी वॉल्स, ऐसे बड़े सारी कंपनीज हमारे देश में आई और उन्होंने धंधा शुरू कर दिया, तब आप ये बताएं जब वो आए होंगे तो अपने साथ डॉलर लाएंगे, अपने साथ येन लेकर आएंगे, अपने साथ पाउंड लेकर आएंगे, और जब इंडिया में आएंगे, मेरा भारत महान, जब मेरे भारत के देश में आएंगे तो मेरे देश में तो फेमा लागू है, आप डॉलर पाउंड येन से काम ही नहीं कर सकते, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर पाउंड येन रुपए के अंदर, और जब वो रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो डॉलर पाउंड येन मेरे घर में आएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आएंगे और मेरी रुपए की डिमांड बढ़ेगी। सोचिए, खुद सोचिए, आज मोदी जी क्यों जा रहे हैं, इसी कारणवश जा रहे हैं। आप आज आप गफार मार्केट हमारे दिल्ली के अंदर देखें, अगर आप, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं दिल्ली की बात बता सकता हूं, वैसे आपके घर में, आपके राज्य में, आपके स्टेट में भी ऐसा जरूर होगा, आपको अमेरिकन फूड चाहिए तो दोस्तों मिलेगा, दिल्ली में रहकर, इंडिया में रहकर अमेरिकन फूड चाहिए तो मिलेगा, आपको दुबई का सोना चाहिए मिलेगा, दुबई का गोल्ड मिलेगा, आपको डेनमार्क की चॉकलेट चाहिए आपको मिलेंगी, दिल्ली में रहके रहने की बात कर रहा हूं, डेनमार्क की चॉकलेट्स मिलेंगी, मैं तो कहता हूं ऑस्ट्रेलियन मसाजेस चाहिए मिलेंगी, आप आवाज तो कीजिए, मेहरबान कदरदान आवाज तो करें, इसका मतलब आज दुनिया बदल गई है दोस्तों, पहले जैसी मेरी इंडिया नहीं रही, पहले जैसी मेरी इंडिया नहीं रही, सब बदल गया, सब बदल गया। तो इस तरह से मेरे को आज एक चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट करना पड़ रहा है, उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज। अगर आपको किसी फॉरेन फोर, बिग फोर में काम करना है, जैसे केपीएमजी, जैसे जैसे प्राइस वाटर कूपर, जैसे ईएनवाई, जैसे 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 ग्रेट थैंथॉन, ऐसी कंपनीज में अगर वर्क करना है तो दोस्तों इनके सबके क्लाइंट्स आजकल मल्टीनेशनल क्लाइंट्स हैं, और जब मल्टीनेशनल क्लाइंट्स हैं तो इन सभी का जो वर्क होता है वो फॉरेन करेंसी में होता है। तो आप समझ लीजिएगा कि ये टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट आज की नींव बन चुका है, आज की डिमांड है। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से कर लें, भगवान ना करे आपसे सीएसीएस ना भी हो, तब भी आप महान बन सकते हैं, क्योंकि आने वाले 10-15 साल इसी टॉपिक के हैं, और मैं आपको इन क्लासेस में कुछ नए आपको कोर्सेज बताऊंगा जो आप कोर्सेज कर सकते हैं, क्योंकि उन कोर्सेज के थ्रू आपकी नॉलेज और बढ़ जाएगी। मैंने उन सभी कोर्सेज को किया और मुझे बहुत अच्छे लगे, इसीलिए मैं आज आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। इसीलिए आप सबसे पहले मेरे दोस्त, आप सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लें, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। आपको केपीओ बनाना हो, आपको बीपीओ में वर्क करना हो, आप इंडिया में रह के काम करेंगे फिर भी दुनिया के काम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल वर्चुअल ऑफिसेज की बात हो गई है, बरिस्ता, कैफे कॉफी डे, आजकल लोग यहां बैठकर लैपटॉप में काम करते हैं। बस आज मैं इस टॉपिक के थ्रू आपको बताऊंगा कि पैसा कैसे कमाते हैं, पैसा 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 पैसा। दोस्तों मैं एक मिनट का एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा और फिर मैं आगे चलूंगा, एक मिनट के लिए आप उस वीडियो को देखें।
चीज है भाई साहब, एक क्या बात है, मिनट क्या चीज है भाई साहब। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, अक्षय कुमार क्या कह रहा है कैटरीना कैफ को, पैसा पैसा पैसा, सोना हीरे कोहिनूर येन डॉलर्स चांदी, इन सब की बातें करेंगे। आप सभी बच्चे अपने ऊपर यहाँ पर चैप्टर के ऊपर रजिस्टर में लिख लें फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, और मैं चाहता हूं कि आप बुक को ओपन करें पेज नंबर 334, पेज 334 ओपन कर लें। उसके अगले पेज में ए लिखा हुआ है और मैंने वहां पर कुछ कंसेप्ट लिखे हैं, इस टोटल 91 कंसेप्ट हैं। मैं आपको आज के लेक्चर में 10, 12, 13, कुछ 15 कंसेप्ट बताऊंगा, इसलिए इंपॉर्टेंट होकर ध्यान से बैठना है। चलिए मेहरबान कदरदान स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं जो दोस्तों, लिखिए कंसेप्ट नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। व्हाई फॉरेन एक्सचेंज, कंपेयर कर लीजिएगा मेरी फॉरेन एक्सचेंज की नॉलेज किसी से भी। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड व्हाई फॉरेन एक्सचेंज, व्हाई फॉरेन एक्सचेंज, लिखते हैं ए पॉइंट स्टार्ट। फॉर एनी कंट्री एनी करेंसी अदर देन होम करेंसी विल बी नेम्ड एज फॉरेन करेंसी। मैं इंडिया में रहता हूं तो रुपी को छोड़कर बाकी सारी करेंसीज फॉरेन करेंसीज हैं। तो फॉर इंडिया डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, इंडिया के लिए ये सारी करेंसीज फॉरेन करेंसीज हैं। यूएसए के लिए ये सारी करेंसीज फॉरेन करेंसीज हैं। तो एक बार देख लीजिए, आपने नहीं लिखा तो लिख ले, मैं फिर पीछे चला गया। फॉरेन करेंसी, एक बच्चा कहता है सर ये मास्टर सिंबल्स नहीं लिखे जा रहे। कोई बात नहीं बेटे, मेरे से भी नहीं लिखे गए थे, अभी ऐसे लिख दीजिए, कई बार लाइन ऊपर नीचे डलेगी बेटे, मुझे भी पता है ऐसी डलेगी, घबराने की बात नहीं है, आप लिखिए तो सही, अभी लिखिए तो सही, मैं आपकी हिम्मत बंधाऊंगा। आपसे तो फिर थोड़ा सा लिखा जा रहा है, मेरे से तो लिखा भी नहीं जाता था, क्योंकि जब मैंने सीए की थी, जब मैंने सीएस की थी, जब मैंने सीएम में किया था, यकीन मानिए ये कोर्स में नहीं होता था। तो मेरे सामने एक चैलेंज था कि भूपेश आनंद या तो उस टॉपिक को समझ ले या पढ़ाना छोड़ दे, और मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया, और मेरे घर वाले कहने लगे कि ये लड़का पागल हो गया है, दोबारा सीए कर रहा है क्या, दोबारा सीएस कर रहा है क्या, दोबारा सीएम में कर रहा है क्या। दोस्तों इतने मोटे मोटे बिट्टू के रजिस्टर खरीदे और खुद प्रैक्टिस की और सिंबल्स की प्रैक्टिस की, और आज मेरी महारत फॉरेन एक्सचेंज, पोर्टफोलियो, कैपिटल बजटिंग, डेरिवेटिव जैसे टॉपिक्स में बहुत ज्यादा है। दोस्तों मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं डूब चुका हूं इन टॉपिक्स के अंदर। तो कंसेप्ट नंबर 3 के बाद आप आगे लिखें कंसेप्ट नंबर 4, कंट्रीज एंड करेंसीज, कंट्रीज एंड करेंसीज, कंसेप्ट 4, कंट्रीज एंड करेंसीज। अब सवाल आता है कि 250 कंट्रीज हैं और 150 करेंसीज हैं, ऐसा क्यों? बेटे कुछ कंट्रीज में डॉलर जैसी करेंसी ही बार बार प्रयोग होती है, यूएसडी ही यूज होता है, इसलिए लिखे। लेकिन मेरे बेटे, एक बेटे ने तो मुंह इतना पीला कर लिया, उसका चेहरा देखे तो पीला सा पड़ गया, जैसे पता नहीं क्या हो गया। बेटे एक चीज मैं बता दूं, 250 करेंसी या 150 करेंसीज नहीं करनी, हाँ 250 कंट्रीज घूमनी है। आपको मैं 5-6 करेंसी बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको समझनी है, बस। अगर आपने उन 5-6 करेंसीज में अपना हाथ सेट कर लिया तो दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं, कोई पेपर नहीं जो आप नहीं कर पाएंगे। तो लिखिए वो करेंसीज कौन सी हैं। अब इसमें क्या करना है, आपने टेबल तो यही बनाना है, नेम ऑफ कंट्री लिखिए पहला, नेम ऑफ करेंसी लिखिए दूसरा कॉलम, और तीसरा कॉलम है सिंबल का। तो सबसे पहले आप इस दुनिया की सबसे महंगी कॉस्टली करेंसी लिखेंगे, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। और बेटे करेंसी में देख लीजिए, सिंबल में देख लीजिए क्या कर रहे हैं, जी बी पी, जी बी पी। आप
लिख रहे हैं जीबीपी, पहले दो सिंबल्स उस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं और जो तीसरा सिंबल है वो उस करेंसी से बिलोंग कर रहा है, आप बात समझ रहे हैं? तो कभी लिखाओ जीबीपी तो समझ लाना, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और उसका सिंबल बनाइए, अभी बनाइए मैं समझाऊंगा। दूसरी लिखिए यूरोपियन का यूरो, पांच छह करेंसी तो ध्यान में रखनी है मेरे बेटे, यूरोपियन का यूरो, और आपको इन सभी देशों में घूमने भी तो जाना ना बेटे, घूमने भी तो जाना ना। यूरो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नेम ऑफ कंट्री है जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और नेम ऑफ करेंसी है यूएसडी, यूएसडी, यूएसडी। तो दोस्तों सिंबल है डॉलर, डॉलर, एस 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 डंडी, एस डंडी। नेम ऑफ कंट्री फोर्थ लिख लीजिए, वैसे तो जरूरी है फोर्थ जापान ही आएगी, लेकिन मैंने जैसे बताया कि हम चार पांच करेंसी का ध्यान रखेंगे, जापान लिखिए, जापान में करेंसी का नाम लिखिए येन, और येन के साथ लिखिए सिंबल आपके सामने है। फिर बीच में हांगकांग नहीं लिखना, ब्राजील नहीं लिखना, चाइना नहीं लिखना, लेकिन मेरा देश इंडिया तो लिखना है, इंडिया लिखिए INR, INR। और दोस्तों देव लिपि से मेरा सिंबल लिया गया रुपी, रुपी का निशान बनाइए, चलिए और करेंसी नहीं लिखनी दोस्तों। तो कंसेप्ट पांच में हम इस पूरे चैप्टर का एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करने जा रहे हैं, और इस फ्लो चार्ट से मैं ये बताऊंगा कि ये चैप्टर आपके लिए क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, वो तो शायद मैं बता भी चुका हूं। इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे ये बताने जाऊंगा, और फ्लो चार्ट कुछ इस तरह का होगा, आप लिखें बेटे, अभी ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना, डायग्राम लंबा चल रहा है बेटे, आपको पता ही है हर चैप्टर में मैं सबसे पहले फ्लो चार्ट प्रिपेयर करता हूं, और कुछ टीचर्स भी इस समय यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं बेटे, आप सब देखिए, टीचर्स भी देखिए, क्योंकि वो देख कर ही पढ़ाएंगे दोस्तों, मुझे कोई बात ऐसी है ही नहीं, गंगा का पानी कभी खत्म थोड़ी होता है बेटे, जितना सब लेते हैं लेते जाएं और बढ़ जाता है, मेरी भावना है कि वो टीचर्स भी देखें, और अगर उनको इम्प्रूव होना तो हो जाएं, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज ये रही उनके सामने, मीनिंग ऑफ फॉरेन रिस्क। बेटे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं फॉरेक्स रिस्क, मीनिंग ऑफ फॉरेक्स रिस्क शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटे, द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, द पॉसिबिलिटी ऑफ, लिख लें आप पहले। तीसरा ब्लॉक बनाकर लिखें ऊपर, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, उसको लिखें। बेटे ये ऐसे है जैसे मैं आपको बताऊं, ऐसे ब्लॉक बना रहे हैं मेरे बेटे, जैसे आपने दुनिया का मैंने आपके सामने रखा, यहां पर आपने लिखा मीनिंग या फ्लो चार्ट ऑफ मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, यहां पर आप लिख रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहां लिखा आपने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मतलब आपने ब्लॉक बनाना और उसके बीच में लिखना है मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फिर बेटे तीसरा ब्लॉक बना रहे हैं, यहां लिखा आपने या भी लिखेंगे मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, और ये धीरे धीरे आगे चलता जा रहा है ब्लॉक। फिर मैं यहां पे तीन क्वेश्चंस लिखूंगा, फिर उसके बाद नीचे चार टेक्निक्स होंगी। तो बेटे इस तरह से प्रिपेयर करना है, अपने हाथ से प्रिपेयर करना है मेरे बेटे, अपने हाथ से प्रिपेयर करना है, इस बात को आप समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अपने हाथ से प्रिपेयर करना है मेरे बेटे। चलिए बड़ी मेहनत की है बेटे इन स्लाइड्स को, इन कॉन्सेप्ट्स को, इन क्वेश्चंस को इकट्ठा करने में। मैनेजमेंट का मतलब आप खुद समझते हैं, अगर मैं आपसे खाली मैनेजमेंट पूछूं तो मैनेजमेंट का मतलब होता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
फॉरेन एक्सचेंज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करने का नाम ही फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है। बेटे आपने मैनेजमेंट नॉर्मल पढ़ा है, मैं बस उसमें आगे फॉरेक्स मैनेजमेंट ऐड कर रहा हूं। मैनेजमेंट तो बड़ी तरह की होती है बेटे, होटल मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट। आपने वो मूवी देखी गरम मसाला, गरम मसाला, उसमें किस तरह से अक्षय एयर होस्टेसेस को मैनेज करता है, ठीक है जी। चलिए तीन क्वेश्चंस लिखेंगे नीचे, जैसे मैंने अभी कहा आई विल आंसर दीस थ्री क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फॉरेक्स अरिथमेटिक। आप समझ लीजिए मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं कराया और शायद आज की क्लास में कराऊं भी ना। बेटे मेरा अंदर से भाव है कि आपको लॉजिक समझ आए। लिखिए लिखिए। एक बच्चा कह रहा है कि ये मास्टर थ्योरी बताता जाएगा प्रैक्टिकल भी बताएगा। बेटे आज मैं पूरा थ्योरी बताऊंगा, शायद एक आध क्वेश्चन आखिरी में कर भी पाऊं, लेकिन एक चीज बता दूं, आज की क्लास अगर आपने ध्यान से अटेंड कर ली तो आपका बेस एक नींव बन जाएगी आने वाली क्लासेस में। भले वहां पे नए कंसेप्ट होंगे लेकिन एक बेसिक आपके हाथ में होगा। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट तीसरा स्टेप है और इसमें दो टूल्स करेंगे, एक का नाम है इंटरनल हेजिंग टूल्स और दूसरे का नाम है एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स। इंटरनल हेजिंग टूल्स, एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स। हेज करना मतलब अपने आप को बचाना, रिस्क को कवर करना, बेटे उसको बोलते हैं हेज, ठीक है जी। लिख लिया। अब आप ये बताइए जब आप ये सब काम करेंगे तो यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। ब्लॉक बनाइए, अभी मैं लिखवाऊंगा, इसी ब्लॉक में लिखना है ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है जी। आइए आइए मैं इस बात को लिखवा दूं कि ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव यहां पर लिख रहे हैं आप, जैसे आपने चित्र बनाया ऑब्जेक्टिव यहां लिख रहे हैं, आप बना चुके होंगे। कहते हैं बेटे करने से ज्यादा समझ आता है, आप प्लीज साथ साथ जरूर करें ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा कि आप एक अच्छी मूवी देखकर आते हैं, एक अच्छी सी मूवी देखते हैं, आपको उसमें हीरोइन बहुत अच्छी लगती है, हीरोइन की ड्रेस भी बहुत अच्छी लगती है। आप बताइए आप रामलाल हैं और आप अपने दोस्तों से क्या उस मूवी के बारे में शेयर करते हैं या नहीं करते, जबकि आपसे वो दोस्त पूछ नहीं रहे। लेकिन बेटे एक इंसान की खासियत होती है, अगर उसको अंदर खुशी है तो बेटे वो जितनी बांटता है ना खुशी, जितनी खुशी बांटेगा ना बेटे, जितनी खुशी बांटेगा ना बेटे, उतनी खुशी बेटे बढ़ जाएगी, बेटे उतनी खुशी बढ़ जाएगी। आपको याद है जब आपका पास हुए थे आप और आपने से कोई पूछ नहीं भी रहा था, फिर भी आपने सबको कहा मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। तो बेटे वो आप बताकर खुशी को बढ़ा रहे थे। और बेटे जब इंसान दुखी होता है ना, जब दुखी होता है ना तब भी वो शेयर जरूर करता है। कहते हैं दुख बांटने से कम होता है। एक बच्चा कहने लगा ये ऑब्जेक्टिव बता रहा था मास्टर, ये कहां चला गया। बेटे इसका अभी रिलेशनशिप है ना, अभी बताऊंगा ना आपको रिलेशनशिप मेरे बेटे। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर एक कंपनी में फॉरेन एक्सचेंज अच्छी तरह से यूज हो रही है तो बताइए प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे। बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे बेटे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। और बेटे अगर एक कंपनी में प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो आप बताइए उस कंपनी की ईपीएस भी बढ़ेगी, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगी बेटे, बिल्कुल बढ़ेगी बेटे। ईपीएस मुझे पता है आपके मन में आ रहा है कि दो प्रकार की होती है, एक बेसिक ईपीएस और एक बेटे डिल्यूटेड ईपीएस। मुझे पता है आपके मन में ये बातें आ रही हैं, मुझे मालूम है, लेकिन अभी आप ईपीएस मानिए। आप बताइए जब आप इस कंपनी के शेयर होल्डर होंगे और आपकी कंपनी की ईपीएस बढ़ेगी, मान लेते हैं आप इंफोसिस के शेयर होल्डर हैं या आप
टीसीएस के शेयर होल्डर है और उस कंपनी में फॉरेन एक्सचेंज अच्छी तरह से मैनेज हुई है, उस कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े हैं, ईपीएस भी बढ़ी है, आपको खुशी है, आप बताइए वो खुशी क्या आप लोगों से शेयर करेंगे या नहीं करेंगे? बेटे बिल्कुल करेंगे। अब बताइए अगर आप वो खुशी अपने दूसरे लोगों से शेयर करेंगे तो वो लोग भी जब उनका मन करेगा, आप नहीं कहेंगे फिर भी जब उनका मन करेगा शेयर्स खरीदने को, क्या वो इस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे बेटे। आप जिसको कहते हैं ना कि ये मूवी अच्छी है, आप उसको कहते नहीं देखने का, लेकिन उसके माइंड में आपने एक प्रतिबिंब बना दिया। जब उसको मौका लगेगा, और उसको मौका लगेगा जब मूवी देखने का, तो वो मूवी वही देखेगा जिसके बारे में उसने सुना है। दोस्तों इसी तरह से ये लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे। अच्छा, जब कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो मुझे बताइए उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। इकोनॉमिक्स का रूल है, आप किसी चीज को ज्यादा खरीदते हैं तो अल्टीमेटली उसकी डिमांड बढ़ती है। और दोस्तों डिमांड जब इंक्रीज होती है और सप्लाई उतनी ही रहती है तो मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ जाता है, और जब मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ता है तो एक आम शेयर होल्डर, अमेरिका में आम शेयर होल्डर को कॉमन शेयर होल्डर बोला गया, उसकी वेल्थ बढ़ती है। तो दोस्तों हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, जो आपने वहां पर ब्लॉग में लिखना है, आपने जो ब्लॉग में लिखना है वो एक ही ऑब्जेक्टिव है, उसको लिखिएगा। मैं वही बताने जा रहा हूं, आप उसको लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, लिखिए जी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। बहुत बढ़िया। तो आइए वेल्थ का एक फॉर्मूला लिख दीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो वेल्थ इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमपीएस। तो दोस्तों ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज का ऑब्जेक्टिव है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। तो दोस्तों कंसेप्ट 5 तक आप लिख चुके हैं, मैं बस चाहता हूं एक आध कंसेप्ट और लिख लें जिससे कि हम आगे चले। कंसेप्ट नंबर सिक्स को ध्यान रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। कंसेप्ट नंबर सिक्स में लिखा हुआ है एक्सचेंज रेट। बेटे इसका अगर मैं हिंदी अनुवाद पूछूं तो मैं ये कहूंगा जब एक चीज दूसरी किसी चीज से अदला बदली की जाए, तो किस भाव से की जाए, किस रेट से की जाए, उस अदला बदली के भाव का ही तो नाम है एक्सचेंज रेट। जैसे आप प्याज खरीदते हैं 50 रुपए का एक किलो, तो बेटे एक किलो इज इक्वल टू 50 रुपीज। बेटे ये ओनियन का एक्सचेंज रेट ही तो है, जैसे आप टमाटर खरीदते हैं, एक बच्चा कहता है जी हम नहीं खरीदते, कोई बात नहीं बेटे वो दिन भी आएंगे जब आप थैला लेकर अपने घर से जाएंगे और आपको राम प्यारी घुसने नहीं देगी जब तक टमाटर प्याज और सब्जियां उस थैले में भर के नहीं लेकर आओगे। बेटे सारे काम करने भी पड़ेंगे बेटे,
भगवान कृष्ण ने भी कहा कि सारे काम करने बेटे, लेकिन लिमिट में रहकर, लिमिट में रहकर। बिल्कुल इसी तरह से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप जब दो चीजों को बदलते हैं, जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि आपको आज के बाद तीन चार करेंसीज का ध्यान रखना है। एक तो पाउंड का ध्यान रखना है, पाउंड का सिंबल नहीं बनेगा, बन जाएगा धीरे धीरे, कोई टेंशन की बात नहीं है। जी बी पी। एक यूरो का ध्यान रखना है, ठीक है जी। एक एक यूएसडी का ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब देखिए, ये जो पहले दो वर्ड है ये उस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी कुछ है ये उस करेंसी से बिलोंग कर रहा है। तीन सिंबल ये याद रखने हैं। उसके बाद आपने, मान लेते हैं पहला नंबर इसका है, सबसे महंगी करेंसी है, मान आपको पता है एक पाउंड 90 रुपए के बराबर है, मानते हैं, मान रहे हैं, चकने मैं हाइपोथेटिकली सोच रहा हूं, एक यूरो 80 रुपए के बराबर है, एक डॉलर 70 रुपए के बराबर है। ऐसा है नहीं, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि पाउंड सबसे महंगा है, यूरो उससे सस्ता है, डॉलर उससे नीचे है, और आठवां नौवां नंबर मैं कहता हूं जी मेरे रुपी का है, मेरा भारत महान, रुपी रुपी रुपी। और दसवां नंबर है येन का। बस दोस्तों, पांच करेंसीज अगर आप याद कर लेंगे ना, और एक नियम याद रख लेंगे कि पहले दो वर्ड्स उस कंट्री से बिलोंग करते हैं और थर्ड वर्ड उस करेंसी से बिलोंग करता है, तो मैं ये समझता हूं कि आप इस दुनिया के सभी क्वेश्चंस कर डालेंगे। और पांच सिंबल ध्यान में रखने हैं जी, मैं रिपीट करके बनाता हूं। देखिए, पाउंड, यूरो, डॉलर, रुपी, येन। अब आपको मालूम है कि इस दुनिया में जो रूल कर रहा है ना इस समय, डॉलर कर रहा है। आपको पता है जब ये दुनिया बनी थी तो सबसे पहले ग्रोथ कहाँ आई थी? यूरोप में आई थी, और यूरोप के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ग्रोथ आई और अभी भी चल रही है। और उसके बाद कहते हैं कि चार कंट्रीज ग्रो करेंगी जिनका नाम है ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, और कर भी रही है। तो मैं आपसे कह रहा हूं इस समय यूएसए का बोलबाला है जी पूरी दुनिया में। आपको ऑयल खरीदना है, आपको चॉकलेट्स खरीदनी है, आपको कुछ भी खरीदना है, आपको सोना खरीदना है, आपको ऑस्ट्रेलिया की मसाजिस करानी है, इस दुनिया में कुछ भी करना है, यकीन मानिए आपको डॉलर से ही एक्सचेंज रेट पता होना चाहिए, डॉलर से ही एक्सचेंज कैलकुलेट करेंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि एक डॉलर का जब मैं रेट लिखता हूं 60 रुपीज, तो दिस इज द एक्सचेंज रेट बिटवीन, दिस इज द एक्सचेंज रेट बिटवीन, ये किस किस के बीच में एक्सचेंज रेट है? यूएसडी एंड रूपी। एक्सचेंज रेट बिटवीन यूएसडी एंड रूपी, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डॉलर और रूपी के बीच में एक्सचेंज रेट है मेरे बेटे। अब इस किसी भी एक्सचेंज रेट में एक करेंसी जो होती है बेटे, उसको बोलते हैं बेस करेंसी। इस बात को सुनना है ध्यान से। और बेटे एक करेंसी होती है कोट करेंसी, जैसे जैसे खिलता हुआ गुलाब। आपने वो मूवी देखी थी 1942 अ लव स्टोरी, उसमें गाना था जो मुझे अभी ध्यान में आ रहा है, एक लड़के ने एक लड़की को देखा तो कैसा लगा। वो लड़का रिप्रेजेंट कर रहा है एक लड़की को देखकर, जैसे सर्दी की धूप, जैसे गर्मी का एसी, जैसे खिलता हुआ गुलाब। ये कौन कह रहा है? लड़का कह रहा है। मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि जब आप किसी भी एक्सचेंज रेट को देखेंगे, किसी भी एक्सचेंज रेट को देखेंगे, तो उसमें एक करेंसी फिक्स्ड होगी और दूसरी करेंसी वेरिएबल होगी। ये करेंसी फिक्स्ड है और ये करेंसी वेरिएबल है। अब फिक्स्ड की जगह आप उसका नाम बेस भी लिख सकते हैं और वेरिएबल की जगह आप उसका नाम कोट करेंसी भी लिख सकते हैं। फिक्स्ड, बेस, बेस को आप यूनिट करेंसी भी कह सकते हैं। तो बात समझ लीजिएगा, इन दिस एक्सचेंज, इन दिस
एक्सचेंज रेट कोटेशन, इन दिस एक्सचेंज रेट कोटेशन, इस एक्सचेंज रेट कोटेशन में यूएसडी इज बेस करेंसी एंड रुपी इज वेरिएबल और कोट करेंसी एंड रुपी इज वेरिएबल और कोट करेंसी वेरिएबल और कोट करेंसी तो आपको किसी भी कोटेशन में ये जरूर चेक करना है कि उसमें बेस क्या है और कोट क्या है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं एक क्वेश्चन तो जरूर कराना चाहूंगा दोस्तों आपको, और उसके बाद अगली लेक्चर में हम और भी डिस्कस करेंगे। आप क्या करें, फर्स्ट क्वेश्चन मैं पेज नंबर बता रहा हूं, आप बुक को खोल लें, वैसे बुक तो आपने खोली हुई है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मैं चाहता हूं पहला क्वेश्चन ही खोल लें, पेज नंबर 371। आई थ्योरी ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं बेटे, जरूरी थी ना मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर वन में आज एक क्वेश्चन तो जरूर कराऊंगा, पेज 371 बेटे। मैंने ऊपर लिखा हुआ है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, और बेटे नीचे लिखा है फॉरेक्स अरिथमेटिक। बेटे हम जो भी कर रहे हैं वो अरिथमेटिकली कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप नीचे देख लीजिए, सीए में आ चुका, सीएस में आ चुका, सीएमए में आ चुका, और सीएमए का पेपर में भी आ चुका, और मैंने नीचे आंसर्स भी लिखे हैं, लेकिन आप ईमानदारी से क्वेश्चन को पढ़ें। द फॉलोइंग स्पॉट रेट्स, अंडरलाइन कर दीजिए स्पॉट रेट्स, अभी वैसे मैंने बताया नहीं स्पॉट रेट्स क्या होते हैं, बताऊंगा, ठंड रखिए, लेक्चर नंबर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी लेक्चर 1A है, डेढ़ घंटे का लेक्चर 1A है, उसके बाद लेक्चर 1B होगा, मैं लेक्चर 1B में बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉट रेट। अभी ठंड रखिए ना बेटे, अभी तो लेक्चर जो आप ठीक है। द फॉलोइंग स्पॉट रेट्स आर ऑब्जर्व्ड इन फॉरेन करेंसी मार्केट, ठीक है जी, नीचे देखिए लिखा हुआ है, एक लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है करेंसी, और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है रेट पर यूएस डॉलर। बेटे ये पर लिखा है, पर का मतलब बेटे एक होता है, हद कर दी, पर का मतलब एक, इसका मतलब ये हुआ एक डॉलर में 0.62 पाउंड्स आते हैं, इसका मतलब ये हुआ $1 = 0.62 पाउंड्स। मैं पहले पढ़ना सीख रहा हूं बेटे, फिर लिखा हुआ है नीदरलैंड गिल्डर्स 0.90। बेटे मैंने तो करेंसी का आपको सिंबल भी नहीं बताया, वैसे एक बात मैं बता दूं, ऐसी 6-7 कंट्रीज हैं जिसका सिंबल है, बाकी तो कंट्रीज का सिंबल भी नहीं है, तो जिसका सिंबल ना हो आप NEG लिख सकते हैं, पहले दो अल्फाबेट कंट्रीज है और ये वाला अल्फाबेट करेंसी से, तो इसका मतलब आज के बाद घबराना ही नहीं है। $1 = 0.90 नीदरलैंड गिल्डर्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब तीसरा है स्वीडन क्रोना, मैं तो कहता हूं कंट्री भी ना पता घबराना नहीं है, $1 = 0.640 स्वीडन क्रोना एसडब्ल्यू के $1 = 0.640 स्वीडन क्रोना, ऐसे ही आप आगे लिख सकते हैं, मैं पहले एक पार्ट करके दिखाऊंगा। अब एक बच्चा कह रहा है ये पर कहां से लिखा है, $1 कहां से लिखा है, मैं थप्पड़ मारूंगा, पागल बनाया हुआ है। मैंने कहा पर का मतलब वन होता है ना बेटे, वन होता है ना, तो पर से वहां से पता चला ना एक डॉलर इतने नीदरलैंड के बराबर है, $1 इतने क्रोना के बराबर है, $1 इतने इसके बराबर है, तो बेटे हर किसी में $1 आएगा, आप समझ आई। फर्स्ट पार्ट है
कंप्यूट द फॉलोइंग यूके पाउंड्स दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $1,000. फर्स्ट पार्ट को देखें, वो कह रहा है जी अगर आपके पास 1,000 अगर आपके पास $1,000 हो तो ये बताओ इसके पाउंड्स कितने ले सकते हैं. $1,000 हो तो इसके पाउंड्स कितने ले सकते हैं. बेटे इसके लिए आपको डॉलर का और पाउंड का एक्सचेंज रेट तो पता ही होना चाहिए. तो बेटे मैं ए पार्ट करके दिखा रहा हूं. $1 इज इक्वल टू 0.62 पाउंड्स. बेटे आपने तीसरी चौथी क्लास में क्रॉस मल्टीप्लाई सीखा था, मुझे याद है. बेटे मुझे याद है गधे के नीचे गधे लिखते हैं, घोड़ों के नीचे घोड़े लिखते हैं और फिर गुणा कर देते हैं. मैं कहता हूं जी $1 में इतने पाउंड्स आएंगे, तो $1,000 में कितने पाउंड्स आएंगे. तो मैं लिख रहा हूं जी 1000 इंटू 0.62 पाउंड्स. बेटे कैलकुलेटर निकाल लो ना बेटे, अपॉन $1. बेटे ये तो कट गया, डॉलर कट गया, तो बेटे ये आ गया 620 पाउंड आ गए मेरे बेटे. 620 पाउंड्स. इसका मतलब अगर आपके पास $1,000 होंगे तो 620 पाउंड्स आ सकते हैं. ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, मैं एक पार्ट और करके दिखाऊंगा, बाकी पार्ट आपने करने हैं, अभी करने हैं बेटे मेरे सामने. लिख लीजिए बी पार्ट. डॉलर दैट 50 गिल्डर्स विल बाय. वो कहता है अगर आपके पास 50 डच गिल्डर्स, डच और नीदरलैंड और बेटा ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं यूनाइटेड किंगडम की, डेनमार्क, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड नहीं कह रहा, नीदरलैंड, फिनलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ये बेटे ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं यूके की, वहां पे नीदरलैंड और डेनमार्क का करेंसी सेम ही है, इसलिए घबराना नहीं है. 50 डच गिल्डर्स अगर आपके पास हैं तो इसके डॉलर्स देखने. इसका मतलब मुझे मेरे पास डॉलर और गिल्डर का रेट तो होना चाहिए. बिल्कुल ठीक बात है. तो मैं देख रहा हूं $1 इज इक्वल टू 0.90 नीदरलैंड गिल्डर्स लिख लीजिए या डच गिल्डर्स लिख लीजिए, बात एक ही है. गधों के नीचे गधे, घोड़ों के नीचे घोड़े. अब देखिए आपके पास 50 डच गिल्डर्स हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 50 इंटू 1 अपॉन 0.90. 50 डच गिल्डर्स इंटू $1 अपॉन डच गिल्डर्स. अब देखिए ये डच गिल्डर कट गया. 50 अपॉन 0.26.31 26.31 यही आंसर लिखा बेटा मैंने. 26.32 लिखा लेकिन ठीक है, 26.31 लिख लें या 32 लिख लें, डॉलर्स होगा. अब आप थर्ड पार्ट करके दिखाइए. स्वीडिश क्रोना दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $40. ठीक है जी, आइए $40 में कितने स्विट्जरलैंड के क्रोना आएंगे. तो आपको रेट पता होना चाहिए, $1 में 0.640 स्विट्जरलैंड क्रोना आएंगे. तो गधों के नीचे गधे. अब बेटा एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि आपने लाइफ में पहली बार फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हैं तो सारी करेंसीज मुंह से बोलनी है और बेटे लिख लिख के करना है. बेटे 4-5 लेक्चर्स जब तक ये चलेंगे आपने खाली खाली फॉरेक्स के बारे में सोचना है. और बेटे कोई आपसे पूछे या ना पूछे, बेटे फॉरेक्स लोगों को पढ़ाना है, आज से ही आप पढ़ाना शुरू कर दे नॉलेज.
आप यकीन मानिए आपका फॉरेन एक्सचेंज पक्का हो जाएगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज पक्का हो जाएगा। आप उसको बिठाइए, उसको समझाइए, इसका मतलब कुछ दिनों तक ईट फॉरेक्स, ड्रिंक फॉरेक्स, स्लीप विद फॉरेक्स। बेटे बस अगर इतना कर दिया, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बेटे बस एक बार लगन लगानी है फॉरेन एक्सचेंज की। आपने जब वो लगन लगा ली मैं फॉरेन एक्सचेंज की, तो यकीन मानिए कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको पीछे हटा दे। आइए हम शुरू करें। बेटे डॉलर डॉलर कट गया बेटे, 40 × 6.40 स्विट्जरलैंड कोरोना। बेटे आंसर निकाल लो, 40 ये बेटे 256 आ गया, यही आंसर है 256 स्विट्जरलैंड कोरोना, 256 स्विट्जरलैंड कोरोना। बेटे इसी तरह से डी पार्ट करिए। बेटे मैं रुक रहा हूं एक मिनट के लिए, आपको कसम होगी अगर आपने ना किया तो। देखिए भले आप मेरे से दूर हैं लेकिन मैंने कसम चढ़ा दी और कसम मैंने अभी उतारी नहीं है, चढ़ी हुई है, करके दिखाइए। डी पार्ट मतलब फोर्थ फिफ्थ और सिक्स करिए बेटे, आंसर सबके नीचे लिखे हैं मेरे बच्चे, करके दिखाओ मेरे बेटे, कसम होगी। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमेशा मेरी बुक से ही सीएमए सीएसएमए और सीएमए में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि मैं खुद ही बना रहा हूं। बेटे मैंने कवरेज ऐसी की है कि इसके बाहर कुछ बनता ही नहीं है, इसके बाहर आ ही नहीं सकता बेटे। इसलिए आप ये बुक जरूर परचेज कर लें और इस बुक में सारे कंसेप्ट देख लें। आइए जल्दी से डी पार्ट करके दिखाइए। मुझे उम्मीद है कि आपने कर रहे हैं, भले नहीं हो रहा लेकिन आप कोशिश करेंगे। कहते हैं जो कोशिश करते हैं उनकी हार नहीं होती। जहां 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 पर आपका मन है आप समझ लीजिए जहां चाहा वहां रहा। अगर आपकी चाहत है किसी चीज को पाने की 101% आपको राह मिलेगी। अगर राह नहीं मिल रही तो इसका मतलब आप 100% उसकी चाहत नहीं रखते। दोस्तों याद रखिएगा इस नियम को। तो मुझे उम्मीद है कि आपने डी ई एफ मतलब फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पार्ट कर लिए होंगे। आंसर्स मैंने नीचे दिए हुए हैं। दोस्तों ये जो लेक्चर है समझ लीजिए ये फर्स्ट लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉरेन एक्सचेंज 1A लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस लेक्चर को शेयर करें, यूट्यूब में देखें और यूट्यूब के सारे वीडियोस देख लें। दावा इस बात का है कि जिस तरह से मैंने प्रेजेंटेशन दी है, जो मैंने पीपीटीज दी हैं, आप कंपेयर कर लीजिएगा और अगर आपको लगे कि ऐसा नहीं है तो आप ये डायरेक्टली शेयर कीजिए। कहते हैं भला करने से भला होता है। अगर आपको एक चीज अच्छी लग रही है तो बेटे दूसरों का भी तो भला हो, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज एक ऐसा चैप्टर है जिसका सब में नंबर कम आते हैं क्योंकि बाकी टीचर्स को पता ही नहीं है, कम पता है 91 कंसेप्ट क्या हो, तो 11 कंसेप्ट भी नहीं कराते मेरे बेटे। तो मेरी इच्छा है कि आप सबका भला हो। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको होमवर्क जरूर दूंगा और आप नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले अगर आज कैलकुलेटर नहीं लाए तो लेकर आना बेटे, कैलकुलेटर के बिना ये चैप्टर होगा नहीं। इस पार्ट का नाम ही है फॉरेक्स अरिथमेटिक, फॉरेक्स अरिथमेटिक। बेटे मैथ्स बिना कैलकुलेटर के कैसे होगा? तो एक बात का ध्यान रखिए, आप सभी ने कैलकुलेटर लेकर आना है, बुक लेकर आनी है, पेन अपना ही लाना है, बेटे रजिस्टर भी तो लाना है मोटे वाला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक दो रजिस्टर में ही सारी एफएम आपकी कवर्ड हो जाए, क्योंकि इसमें हमने 70-80 क्वेश्चंस कर डालने हैं और आपको होमवर्क भी बहुत सारा देना है।
तो लिखिए जी, होमवर्क लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार दोबारा करना है और फिर क्वेश्चन नंबर टू भी करना है। क्वेश्चन नंबर टू भी इसी कंसेप्ट का है मेरे बेटे, कंसेप्ट नंबर 1-8 का ही है बेटे। बस ये दो क्वेश्चंस करके आए, मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। आप सबने ये लेक्चर देखा, भगवान करे कि आपका फायदा हो और मेरी मेहनत कामयाब हो। बी हैप्पी, बी जॉली एंड बी चेयरफुल।